तुम अपनी दौलत व ताकत पे नाज मत करना कि अब की बार भी ये करबला हमारी है। राह जगमगाने को आशियां जला देना, फतेह लाजमी होगी कश्तियां जला देना। दोस्तों, मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। किसी भी जंग में बहुत ज़्यादा उसकी कीमत होती है और इस मौजूदा इसराइल और फिलिस्तीन की जंग भी बहुत ज़्यादा कीमत वसूल कर रही है। फिलिस्तीन की तरफ से हज़ारों लोग, जिनमें बहुत सारे बच्चे और औरतें भी शामिल हैं, शहीद हो चुकी हैं। लेकिन हर जंग की तरह इस जंग की एक मासी कीमत भी है जो कि इसराइल को चुकानी पड़ रही है। और जब भी ये जंग ख़त्म होगी तब उसे मालूम पड़ेगा कि उसने इस जंग की कितनी बड़ी कीमत अदा की है। दोस्तों, दुनिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दुनिया के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन ने ये कहा है कि सिर्फ इस जंग की वजह से इसराइल की इकोनॉमी साल दर साल के आधार पर 11% सिकुड़ जाएगी। किसी भी देश की इकोनॉमी अगर 1-2% भी पिछले साल के मुकाबले सिकुड़ जाती है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उस देश पर और उस देश की जनता पर पड़ता है। तो ज़रा सोचिए, जहाँ 11% सिकुड़ेगी तो इसराइल और इसराइल की जनता का क्या हाल होगा। दोस्तों, इसराइल एक, जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, बहुत छोटा ईसाई मुल्क है और उसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा नहीं, 1 करोड़ भी लोग नहीं है इसराइल के। 92-93 लाख इसराइली माना जाता है कि है। तो जाहिर सी बात है, उसकी आर्मी भी बड़े देशों की तरह ज़्यादा बड़ी नहीं है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान वगैरह की है। उसकी आर्मी भी 1,20,000 बताई जाती है। लेकिन इसराइल में एक कानून है कि अगर आप 18 साल के हो जाते हैं तो लाजमी आपको मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आदमियों के लिए ये 32 महीने की होती है, औरतों के लिए 24 महीना। तो ये ट्रेनिंग करने के बाद आप जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहें जा सकते हैं, तिजारत करना चाहें तिजारत कर सकते हैं, सर्विस करना चाहें सर्विस कर सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल बनना चाहें आईटी प्रोफेशनल बन सकते हैं। लेकिन जब भी कोई इमरजेंसी की सूरत हाल होगी तो उन सभी के पास लेटर चला आएगा कि आप चलिए और जंग में अपनी खिदमात दीजिए। इस जंग में भी ऐसा ही हुआ है। इसराइल ने अपने बहुत सारे लोगों को, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजर की पोस्ट पर थे, प्रोग्रामर की पोस्ट पर थे, अपनी दुकान चला रहे थे, उन सब को लिख दिया है कि आइए और जंग में शामिल होइए। और इस जंग में उसने 360,000 रिजर्व लोगों की फौज उतारी हुई है। तो इन सब का माशी नुकसान भी है। वो जिस पोस्ट पे, जिस कंपनी पे थे उससे उसका नुकसान है। इस जंग पर हर रोज़ इसराइल करीब 25 करोड़ डॉलर खर्चा कर रहा है, यानी हर 4 दिन में इसराइल के 1 अरब डॉलर, जो कि इंडिया के 8,000 करोड़ से ज़्यादा बनते हैं, वो खर्च हो रहे हैं। दोस्तों, जंग में अगर आप दिफा कर रहे हैं तो उस पर उतना खर्च नहीं आता, क्योंकि आप अपनी जगह पर दिफा कर रहे हैं, आपकी फ़ौज मूव नहीं कर रही। लेकिन जब आप ऑफेंसिव होते हैं, आक्रमण करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो उस पर खर्च कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि आपको टैंक मूव करना होता है, आपको प्लेन मूव करना होता है, आपको मिलिट्री को मूव करना, तो उस पर खर्च कई गुना बढ़ जाता है। अब चूँकि ये तयशुदा बात हो गई कि इजरायली फ़ौज गाज़ा में ज़मीनी तौर पे भी लड़ाई लड़ रही, अंदर जा रही, तो इससे उसका खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए इसराइल पर इसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात मासी तौर पर मुरतब होंगे। इसराइल की करेंसी, जो कि सॉकेल कही जाती है, वो 39 बरस में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई। ज़रा सोचिए, अब भी 39 बरस में सिर्फ अपने निचले स्तर पर है, और कहीं ये जंग तवील चली 6 महीना 8 महीना ये 1 साल, तो वो कहाँ पहुँचेगी, कहाँ नहीं जा सकता। तो ये जंग जब भी ख़त्म होगी, इसराइल को इसकी बहुत बड़ी कीमत मासी तौर पर अदा करनी पड़ेगी। अगर खुदा न खास्ता उसने ये जंग जीत भी ली तो मासी तौर पर वो काफ़ी खोखला हो जाएगा, इल्ला या कि उसका बाप अमेरिका उसकी मदद को आ गया है और कह दे कि 50 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर हम इसराइल को दे रहे हैं। लेकिन इससे अमेरिका की इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की इस इकोनॉमी भी इस वक्त गोचे खा रही है, उसके पर बहुत बड़ा फॉरेन कर्ज लदा हुआ है। देखिए आगे इसमें क्या होगा, होता है, जैसी भी इसमें जो अपडेट होगी उससे हम आपको मुतला करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।